नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज का है, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। वैसे अगर बात करें तो इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर के लिए आपका जो ये कोर्स है वो 2 जनवरी 2024 के लिए लगभग 227 पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, नेवी एसएससी ऑफिसर्स का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा, नेवी एसएससी ऑफिसर की सैलरी क्या रहेगी, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर जनवरी 2024 कोर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हुए वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर नोटिफिकेशन 2023 का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वहां से सारी जानकारी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, नेवी एसएससी ऑफिसर जनवरी 2024 कोर्स ऑनलाइन फॉर्म 2023 का आपका जो नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी ने विभिन्न एंट्रीज के लिए जनवरी 2024 कोर्स के लिए एसएससी अधिकारी यानी एसएससी ऑफिसर के पदों के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी ऑफिसर के लिए 227 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 29 अप्रैल 2023 से 14 मई 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम इंडियन नेवी वरियस एंट्री जनवरी 2024 कोर्स ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं नेवी एसएससी ऑफिसर वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो ये पोस्ट आपकी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। जनरल सर्विस की अगर बात करें जो कि जनरल सर्विस 10 के अंतर्गत आपकी 50 पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीसी के लिए 10 पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर यानी एनएओ की 20 पोस्ट है, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पायलट की अगर बात करें तो 25 पोस्ट है और 25 के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें तो 30 पोस्ट है, 30 ये आपके पता है वो दोनों कैंडिडेट के लिए, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। एजुकेशन की अगर बात करें तो आपकी 12 पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। इंजीनियरिंग ब्रांच की अगर बात करें जीएस की तो 80 पोस्ट है, इसमें भी आपकी क्या दोनों के लिए यानी मेल और फीमेल। पहले क्या होता था ये मेल कैंडिडेट के लिए निकलती थी ओनली, अब 2 साल हो गए ये मेल और फीमेल दोनों के लिए निकलती है। इस तरह से आप टोटल 227 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो जनरल सर्विस जीएस 10 की अगर बात करें तो बीटेक होना चाहिए आपका 60% अंकों के साथ कम से कम। नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर की अगर बात करें तो बीटेक बीई होना चाहिए आपका 60% अंकों के साथ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए बीटेक या फिर बी होना चाहिए आपका 60% कम से कम अंकों के साथ। ऑब्जर्वर की अगर बात करें तो बीटेक होना चाहिए 60% अंकों के साथ। पायलट के लिए बीटेक विद 60% मार्क्स। लॉजिस्टिक की अगर बात करें तो बीटेक बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर बीएससी या फिर एमएससी की डिग्री आपके पास होना जरूरी है। एजुकेशन की अगर बात करें तो एमएससी एमटेक या फिर बीटेक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए आपका क्या बीटेक होना चाहिए 60% अंकों के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इन सभी में से कोई सी भी डिग्री है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। चलिए बात करते हैं आपकी एज लिमिट इसमें क्या रखी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो जनरल सर्विस जीएस 10 और नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर एनएओ की अगर बात करें तो जिन उम्मीदवारों का जन्म 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच हुआ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की अगर बात करें तो जिन उम्मीदवारों का जन्म 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच हुआ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पायलट की अगर बात करें तो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच जिनका जन्म हुआ वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिस्टिक की अगर बात करें तो 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच जिनका जन्म हुआ वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की अगर बात करें तो एमटेक के लिए 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच जिनका जन्म हुआ वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अदर पोस्ट की अगर बात करें तो जिन उम्मीदवारों का जन्म 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए तो इंजीनियरिंग ब्रांच की अगर बात करें तो 2 जनवरी 1999 से लेकर
1 जुलाई 2004 के बीच जिन भी उम्मीदवारों का जन्म हुआ है वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी जो एज लिमिट है वो काउंटिंग है वो इस तरह से आपकी की जाएगी। चलिए बात करते हैं बोर्ड डेट के बारे में। तो इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म 29 अप्रैल 2023 से भरना शुरू होगा। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में तो लास्ट डेट आपका 14 मई 2023 रखा गया है, यानी आपको 14 मई 2023 से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भरकर जमा करवा देना है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो किसी भी कैटेगरी के किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है, आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी एससी एफ एससी से बिलोंग करते हो तो भी आपकी कोई फीस इसमें नहीं लगने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं हम इंडियन नेवी एसएससी का आपका जो ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसमें, इसमें आपका सबसे पहले आपकी छंटाई की जाएगी एप्लीकेशन की, जो कि आपकी बीई या फिर बीटेक या फिर एमटेक या फिर एमएससी या फिर बीएससी में आपके जो प्रतिशत है एग्रीगेट उसके आधार पर आपकी क्या है आपका कॉल लेटर आपको भेजा जाएगा। उसके बाद जब आपका कॉल लेटर आ जाएगा तो आपको उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका एक नॉर्मल मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको क्या है फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो बहुत सारे उम्मीदवारों के मन में एक संशय एंड डाउट बना रहता है कि हमारा कॉल लेटर कितने प्रतिशत अंक होंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो आपका जो एग्रीगेट प्रतिशत देखा जाएगा बीई या फिर बीटेक में, उसी के आधार पर आपकी एक मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करो तो उसमें आप अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर है वो जरूर मेंशन करें, क्योंकि इसके इंटरव्यू के बारे में आपको या तो बाय मेल या फिर बाय एसएमएस के द्वारा आपको बताया जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू का सेंटर वो कहाँ पे है, किस टाइम आपका इंटरव्यू होगा, वो सारी बातें आपको बाय एसएमएस या फिर बाय मेल के जरिए आपको बताया जाएगा। ये बात आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर सैलरी आपकी रहने वाली है 56,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी इसमें दी जाने वाली है। जो उम्मीदवार इंडियन नेवी में पायलट बनने का सपना देख रहे हैं या फिर कोई और ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। आपका जो इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में इंडियन नेवी ने एसएससी ऑफिसर जनवरी 2024 कोर्स का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। साथ में हम डिस्कस किए कि नेवी एसएससी ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका सिलेक्शन वो किस आधार पर किया जाएगा और किस तरह से आपका कॉल लेटर यानी इंटरव्यू का कॉल लेटर वो जारी किया जाएगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना, मिलते हैं नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।